स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपको रेलवे से कोई भी सीट प्रोवाइड होती है तो आप उसको कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस विषय पे विस्तार से बात करने वाले हैं। आप लोगों से छोटी सी विनती है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। IRCTC भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा और आरामदायक सफ़र को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कई बदलाव किए जाते रहते हैं। अब यदि आपको अपनी बर्थ पसंद नहीं आ रही है तो बीच सफ़र में इसे अपग्रेड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप स्लीपर कोच में सफ़र कर रहे हैं तो आप सफ़र के दौरान सीट को AC कोच में अपग्रेड करा सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको किसी विंडो पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। है ना रेलवे की कमाल की सुविधा। इस तरह अतिरिक्त यात्रा कर सकते हैं यात्री। इस सर्विस को शुरू करने का मकसद यात्रियों की सुविधा और उनकी लगातार बदलती ज़रूरतों को पूरा करना है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों को यात्रियों की सुविधाओं देखते हुए काफ़ी आसान कर दिया है। इससे लोगों को टिकट बुकिंग के बाद भी कोच को अपग्रेड करना आसान हो गया है। यात्रियों के पास कुछ अतिरिक्त भुगतान के साथ अपने गंतव्य को बदलकर अतिरिक्त यात्रा करने का भी विकल्प है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर ही लेते हैं कि आप अपने कोच को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आप भी सफ़र के दौरान अपना कोच अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको किसी बूथ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सुविधा का फ़ायदा आप अपनी सीट पर बैठे बैठे सफ़र के दौरान ही उठा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इसके लिए क्या करना होगा। यदि आप स्लीपर कोच की बजाय AC कोच में यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोच में मौजूद TTE के संपर्क करके अपनी रिक्वेस्ट करनी होगी। यदि AC कोच में सीट फ्री है तो TTE आपको इस बर्थ को अलॉट कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कि क्या होगा नियम। सीट अपग्रेड होने के बाद आपको TTE को नियमानुसार नकद भुगतान करना होगा। आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप रेलवे की सीट अपग्रेड सिस्टम का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब दूसरे कोच में कोई बर्थ खाली हो। अगर सीट खाली नहीं है तो आपको उसी कोच में यात्रा करनी होगी जिसमें आपको बर्थ अलॉट की गई है। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।